17 जनवरी को शनि करेंगे अपनी राशि कुंभ में गोचर। 30 साल बाद शनि का ये बड़ा गोचर करेगा धमाल। 2023 में इन राशियों को मिलेगी शनि 7.5 से राहत। वहीं इन चार राशियों के जीवन में शनि बढ़ाएंगे मुश्किलें। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। शनि देव को हमारे ज्योतिष में और हमारे नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसे रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक सभी नौ ग्रहों में शनि का राशि परिवर्तन बहुत खास अहमियत रखता है। शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, तभी इन्हें शनि शनि भी कहा गया है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं, इसलिए शनि की अति धीमी चाल के कारण इनके जो शुभ और अशुभ प्रभाव हैं वो व्यक्ति पर लंबे समय तक रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शनिदेव जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कई राशियों को राहत देते हैं और कई राशियों की जिंदगी में उथल पुथल भी लाते हैं। शनि 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलते हैं और सभी 12 राशियों में भ्रमण में उन्हें 30 साल का समय लगता है। इनकी महादशा जो है वो 19 साल तक रहती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 की शुरुआत में ही शनिदेव अपना सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इससे एक राशि पर शनि की 7.5 और 2 राशियों पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। जबकि एक राशि पर शनि की 7.5 और 2 राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 और ढैया समाप्त होगी और किन पर शुरू होगी, इस बारे में आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में शनिदेव की जो शुभ स्थिति है जहां हमें लाभ प्रदान करती है, वही जो अशुभ स्थिति है वो जीवन में दिक्कत परेशानी और आर्थिक संकट का कारण भी बनती है। शनिदेव जो है वो अपनी 7.5 के दौरान, अपनी ढैया के दौरान, अपनी महादशा के दौरान, अपनी अंतरदशा के दौरान व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। शनिदेव कर्मों के आधार पर फल प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। यही वजह है कि हर कोई शनिदेव को प्रसन्न रखना चाहता है और शनिदेव की कृपा पाने को ललायित रहता है। शनिदेव जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। मकर और कुंभ ये इनकी अपनी राशियां हैं। और मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि जो शुक्र ग्रह हैं और जो बुध ग्रह हैं उनके साथ शनि की बहुत मित्रता है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो हैं इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव 2023 में 17 जनवरी मंगलवार को रात 8:02 पर अपनी मकर राशि से निकल करके अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक इसी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, यानी 2.5 साल रहेंगे। 2025 में फिर वो कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जब अपनी राशि बदल करके कुंभ राशि में आएंगे तो इस राशि परिवर्तन के 14 दिन के बाद शनि महाराज जो हैं वो 31 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को जाकर उनका उदय होगा। फिर करीब 100 दिन की अवधि बीत जाने के बाद शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रहने के बाद फिर से मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। साल 2023 में शनि का जो राशि परिवर्तन है जो 17 जनवरी को होना है और उसके बाद उनका अस्त होना, उदय होना, उल्टी चाल चलना, सीधी चाल चलना, इन सबसे सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। अच्छे फल भी देंगे शनि, बुरे फल भी देंगे, उपलब्धियां भी होंगी, समस्याएं भी आएंगी, यानी विभिन्न राशियों पर शनिदेव की चाल का अलग अलग असर रहेगा, अलग अलग अनुभव होंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि शनिदेव जैसे ही 17 जनवरी 2023 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही मिथुन राशि और तुला राशि वालों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी और इस दौरान कर्क राशि और वृश्चिक राशि शनि की ढैया की चपेट में आ जाएंगे। इसी तरह जब शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों को पिछले 7.5 साल से चली आ रही शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी और मीन राशि जो है वो शनि की 7.5 की चपेट में आ जाएगी। जबकि मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण और कुंभ राशि वालों पर दूसरा चरण शुरू होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि शनि की जो साढ़े सती होती है, 7.5 साल की होती है, इसमें अढ़ाई अढ़ाई साल के 3 चरण होते हैं, और इन तीनों चरणों में जो शनि की साढ़े सती का दूसरा चरण होता है वो सबसे कष्टदायी माना जाता है। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि जो है वो सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगी। इनके रुके हुए काम दोबारा से प्रारंभ हो जाएंगे, नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, धन दौलत सुख समृद्धि और मान सम्मान में जो है वो बढ़ोतरी होगी, सेहत बेहतर रहेगी। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य लाभ हासिल होगा, आर्थिक लाभ भी होंगे, अटके हुए काम बनने लगेंगे। तो तुला राशि वाले हैं इनको भी काफी राहत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, आर्थिक लाभ होगा, नया वाहन या नया फ्लैट ले सकते हैं। धनु राशि वालों के भी अटके हुए प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने लगेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इनकम का कोई नया सोर्स मिल सकता है, प्रमोशन का योग बनेगा, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बनेगी। शनि की साढ़े सती झेल रहे मकर राशि के लोगों को भी शनिदेव के राशि बदलने पर विशेष फल प्राप्त होंगे। अगर विदेश यात्रा की कोई फाइल लगाई है तो विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है, विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी मुराद पूरी हो सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रमोशन या फिर कोई नया दायित्व मिल सकता है जिससे मकर राशि वालों का रुतबा बढ़ेगा। क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन से कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और मीन राशि पर शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी, इसलिए इन राशि वालों को थोड़ी मुश्किलात का, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, सेहत भी प्रभावित हो सकती है, लव लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। आपको कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है, वाद विवाद से दूर रहना है। और जिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि की ढैया समस्या दे सकती है, उन्हें शनि की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनिचराय नमः, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, प्रत्येक शनिवार को शनि देव का दान करें, कमजोर व्यक्तियों का अपमान न करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, काली चीजों का दान करें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें तो लाभ हासिल होगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही, मैं गुरमीत बेदी, मेरी पोस्ट से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए, धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।